देखिए, सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि एक जिम्मेदार पार्टी के नाते कानून का सहयोग देना चाहिए था। ये सारा जो मामला है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट ने रजिस्टर की हुई एफआईआर के बेसिस पर चला है, मगर हर रोज वो प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी एपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे, आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था, और कहीं पर भी देश में न दंगा हुआ था, न हिंसा हुई थी, और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टिकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टिकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है, न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टिकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है, वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। और जहां तक ईडी का सवाल है, सभी ने देश के कानून की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए।